सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार बच्चों, मैं सरिता यादव, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, आज कक्षा 11 के नागरिक शास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र के भाग 1 भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। पहले अध्याय का नाम है संविधान क्यों और कैसे। बच्चों, इस अध्याय को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। आज हम इसके पहले भाग का अध्ययन करेंगे, तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं उन प्रमुख बिंदुओं पर जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। संविधान अर्थ एवं परिभाषा, इसके अंतर्गत हम जानेंगे संविधान क्या है, संविधान का अर्थ एवं परिभाषा को समझेंगे, संविधान का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि किन आधारों पर संविधान को वर्गीकृत किया जा सकता है, संविधान के प्रकारों को जानेंगे, संविधान की आवश्यकता एवं भूमिका। हम ये भी जानेंगे कि किसी देश के लिए संविधान क्यों ज़रूरी है, संविधान की प्रमुख भूमिका क्या है, हम उसके कामों को भी जानेंगे। संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान, इसके अंतर्गत हम संविधान के महत्व को समझेंगे, जानेंगे कि किस तरह संविधान किसी राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है। अंत में हम संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा का अध्ययन करेंगे। हम ये जानेंगे कि संविधान द्वारा किस तरह शासन के विभिन्न अंगों में शक्ति का संतुलन स्थापित किया गया है और संविधान को सफल बनाने का प्रयास किया गया। आइए शुरू करते हैं संविधान अर्थ एवं परिभाषा। बच्चों, संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। वास्तव में संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था का मूल आधार होता है। संविधान कुछ ऐसे मौलिक सिद्धांतों का समूह है, ऐसे नियमों का संकलन है जिस पर समाज के सभी लोगों की मान्यता मिली होती है, अर्थात जिसे देश के सभी लोग स्वीकार करते हैं। संविधान जहां एक तरफ नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो वहीं साथ ही साथ वो नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित करता है। संविधान देश में शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का वितरण भी करता है, तो उन शक्तियों को सीमित करने के प्रावधान भी देता है। हम कह सकते हैं कि संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून है। बच्चों, संविधान की परिभाषा कई विचारकों द्वारा दी गई है। गिलक्राइस्ट के अनुसार संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों या कानूनों का संकलन होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का वितरण और उन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। स्पष्ट है संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि है, सर्वोच्च कानून है जिसके आधार पर देश की समस्त शासन व्यवस्था का संचालन होता है। संविधान के अर्थ को जानने के बाद आइए संविधान के वर्गीकरण को समझते हैं। संविधान को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर, प्रथाओं एवं कानूनों के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पर, शक्तियों के विभाजन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार का हो सकता है, विकसित संविधान और
निर्मित संविधान। विकसित संविधान वह है जो ऐतिहासिक घटनाओं और परंपराओं के साथ समय के साथ विकसित होता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान का उदाहरण है। निर्मित संविधान क्या है? निर्मित संविधान वह है जिसे एक निश्चित समय अवधि में किसी संविधान सभा या किसी समूह द्वारा बनाया जाता है। भारत का संविधान निर्मित संविधान का उदाहरण है। प्रथाओं एवं कानूनों के आधार पर हम संविधान को दो भागों में बांट सकते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या है? जिसमें अधिकांश प्रावधान लिखित रूप में होते हैं, वह लिखित संविधान है जिसे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बनाया जाता है। भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान लिखित संविधान का उदाहरण है। बच्चों, अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान का उदाहरण है। अलिखित संविधान क्या है? जिस संविधान के अधिकांश प्रावधान लिखित रूप में नहीं होते हैं, बल्कि परंपराओं और न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर वो समय के साथ विकसित होते हैं। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है। परिवर्तनशीलता के आधार पर दो प्रकार के संविधान हो सकते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीला संविधान वह है जिसमें परिवर्तन सरलता से किया जा सकता हो, अर्थात सब परिवर्तन की प्रक्रिया सरल हो, आसान हो। लचीले संविधान का उदाहरण भी ब्रिटेन का संविधान का उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है। कठोर संविधान क्या है? कठोर संविधान जिसमें परिवर्तन आसानी से ना किया जा सके, अर्थात संशोधन करने की एक विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता हो। हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान को कठोर संविधान के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। अंत में, शक्तियों के विभाजन के आधार पर संविधान एकात्मक हो सकता है, संघात्मक हो सकता है। एकात्मक संविधान क्या है? जहाँ पर शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित हों, वो एकात्मक संविधान है। जैसे ब्रिटेन का संविधान। संघात्मक संविधान जहाँ पर शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन किया गया हो, जैसे कनाडा और भारत का संविधान। बच्चों, इस वर्गीकरण से भी स्पष्ट है, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का संविधान निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है, संघात्मक संविधान है और लचीले और कठोरता का मिश्रण है। संविधान के वर्गीकरण को जानने के बाद आइए संविधान की आवश्यकता एवं भूमिका को समझते हैं। प्रश्न उठता है, किसी भी देश के लिए संविधान क्यों जरूरी है? आखिर संविधान के प्रमुख कार्य क्या हैं? संविधान किसी देश या समाज के लिए क्यों जरूरी है? उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, या संविधान हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? आइए जानते हैं संविधान की प्रमुख भूमिका, उसके प्रमुख कामों को। संविधान का पहला प्रमुख काम है बुनियादी नियमों को उपलब्ध कराना एवं समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास स्थापित करना। बच्चों, देश में किसी भी समाज को कुछ ऐसे बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समाज के सभी सदस्यों की सार्वजनिक रूप से मान्यता मिली हो, अर्थात ऐसे नियम जिसे समाज के सभी लोग जानते हों, जिससे उनके बीच में समन्वय स्थापित हो सके। सिर्फ लोगों का संविधान के प्रावधानों को जानना ही जरूरी नहीं है, संविधान के इन प्रावधानों के लागू किए जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात लोगों में यह विश्वास हो कि संविधान के नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे और सभी उन नियमों को मानेंगे, अर्थात उनका पालन करेंगे, और यदि कोई भी संविधान के उन नियमों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका द्वारा दंड दिया जाएगा। हम इसके लिए एक दैनिक जीवन का उदाहरण ले सकते हैं। ट्रैफिक के नियम हम सभी जानते हैं। बच्चों, हम सभी ट्रैफिक के नियमों को जानते हैं और उसका पालन भी करते हैं। हम उनका पालन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि इन नियमों को सभी लोग जानते हैं और सभी उनका पालन करेंगे।
यदि कोई उनका उल्लंघन करता है ट्रैफिक रूल्स का, तो निश्चित रूप से उसे जुर्माना या उसके लिए दंड निर्धारित है। आइए जानते हैं संविधान का दूसरा प्रमुख कार्य है निर्णय लेने की शक्ति को स्पष्ट करना। संविधान यह तय करता है कि समाज में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा। साथ ही साथ संविधान यह भी निर्धारित करता है कि समाज में शक्तियाँ किसके हाथों में होंगी। संविधान यह भी तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में शासन की शक्तियाँ राजा के हाथों में होती हैं और कानून राजा बनाता है। वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र में जनता के हाथों में निर्णय लेने की शक्ति होती है, लेकिन व्यवहार में अगर देखें तो जनता सीधे तौर पर निर्णय नहीं लेती, बल्कि जनता अपने चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेती है। भारत की बात करें तो भारत में संसद कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है, और आप सभी जानते हैं संसद को कानून बनाने का यह अधिकार किसने दिया है? भारत के संविधान ने। संविधान का तीसरा प्रमुख काम है सरकार की शक्तियों को सीमित करना। मान लीजिए कि कोई सरकार ऐसे कानून बना दे जो अन्यायपूर्ण हो या पूर्णतया अनुचित हो, जैसे किसी व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार उसके कामों को करने से रोका जाए या किसी व्यक्ति को उसके धर्म का पालन करने से मना किया जाए या किसी खास वर्ग या धर्म के लोगों को ज़बरदस्ती किसी खास तरह का सेवा आदि का काम करवाया जाए या किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से ये कानून अनुचित होंगे, ये नियम गलत होंगे। सरकार इस तरह का कोई अनुचित कानून ना बना सके, इसीलिए संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और साथ ही साथ नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिनका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती। भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार जैसे अन्य मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों के बारे में हम दूसरे अध्याय में विस्तार से जानेंगे। बच्चों, इन मौलिक अधिकारों को सिर्फ आपातकाल जैसी विशेष परिस्थिति में ही सीमित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। चौथा प्रमुख काम संविधान का है सरकार को जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु सामर्थ्य प्रदान करना। तो सरकार की शक्तियों को सीमित करना ही पर्याप्त नहीं है, सरकार को इतना शक्तिशाली बनाना भी ज़रूरी है कि सरकार जनता के हित में कुछ कल्याणकारी कार्यों को कर सके, जैसे देश में फैली असमानता, गरीबी, अशिक्षा, इन भेदभावों को ख़त्म कर सके। भारत के संविधान निर्माताओं की भी यही इच्छा थी कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां कोई भेदभाव नहीं हो, जहां पर नागरिकों को उनके मूल अधिकार मिले हों, नागरिकों की मूल भौतिक ज़रूरतें पूरी होती हों, उन्हें शिक्षा का अधिकार हो ताकि वे अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकें और सम्मान के साथ गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। बच्चों, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इन मूल सिद्धांतों का भी उल्लेख है जिसे आप अगले भाग में जानेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के संविधान द्वारा ही सरकार को शक्तियाँ दी गई हैं, विश्व के अन्य देशों के संविधान में भी सरकार को जनता के हित में काम करने के लिए शक्तियाँ दी गई हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान वहाँ की सरकार को नस्लीय भेदभाव को मिटाने का अधिकार देता है और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण जैसे ज़रूरी मुद्दे पर भी कदम उठाने का अधिकार देता है। वहीं इंडोनेशिया का सरकार को वहाँ का संविधान एक राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने का अधिकार देता है, साथ ही साथ अनाथ और गरीब बच्चों की देखभाल के लिए भी निर्देशित करता है। बच्चों, संविधान की आवश्यकता और भूमिका को जानने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान। संविधान किसी भी समाज की बुनियादी पहचान होता है। बच्चों,
किसी भी देश में किसी नागरिकों के समूह को संविधान के माध्यम से ही एक अलग पहचान मिलती है, सामूहिक रूप में एक अलग पहचान मिलती है। जब तक संविधान लागू नहीं होता है या हम संविधान को स्वीकार नहीं किए होते हैं, तब तक प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग पहचान हो सकती है। लेकिन जब हम सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी नियमों पर एकमत होते हैं और संविधान को स्वीकार करते हैं, तो संविधान द्वारा हमें एक बुनियादी राजनीतिक पहचान मिलती है। जैसे भारत के नागरिकों की पहचान भारतीय संविधान से मिली हुई है। संविधान नागरिकों को उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विशाल ढांचा प्रदान करता है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है ताकि नागरिक अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकें, और साथ ही साथ संविधान इन मौलिक अधिकारों के साथ लोगों पर बंधन भी लगाता है ताकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार न छीन सके। वह तय करता है संविधान की कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। तो संविधान हमें एक रूप में नैतिक पहचान भी देता है। विश्व के ज़्यादातर संविधान नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग की है। बच्चों, दुनिया के ज़्यादातर संविधानों में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, साथ ही साथ वे संविधान लोकतंत्र को भी स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा प्रत्येक देश के संविधान में अलग अलग ढंग की है। अगर हम उदाहरण के लिए यहाँ पर जर्मनी को लें, तो जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। वहीं भारत की बात करें तो भारत में नस्ल या जाति के आधार पर संविधान नागरिकता को मान्यता नहीं देता, अर्थात नागरिकता का आधार नस्ल या जाति को नहीं मानता है। एक सफल संविधान वह है जो नागरिकों को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कारण देता है। संविधान लोगों में यह विश्वास दिलाता है कि संविधान के नियम सभी के ऊपर समान रूप से लागू होंगे, लोगों के अधिकार सुरक्षित होंगे, लोगों के साथ न्याय होगा। मान लीजिए कि समाज में भेदभाव होने लगे, किसी खास वर्ग के लोगों को कुछ खास सुविधाएं दी जाने लगे, या बहुसंख्यक वर्ग के लोगों के द्वारा अल्पसंख्यकों का शोषण होने लगे, उत्पीड़न होने लगे, तो क्या कोई भी नागरिक ऐसे संविधान का आदर कर सकेगा? शायद नहीं। इसीलिए वह संविधान सफल होता है जो अपने नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की सबसे ज़्यादा सुरक्षा करता है। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं, जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। बच्चों, अनेक देशों के संविधान उतने सफल नहीं हुए या प्रभावी नहीं हुए क्योंकि उन्हें अलोकप्रिय नेताओं और सैन्य शासकों द्वारा बनाया गया, या आप कह सकते हैं कि जनता का उन नेताओं में विश्वास नहीं था, या उन नेताओं में जनता को साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं थी। लेकिन भारत का संविधान, अगर हम भारत के संविधान की बात करें, तो भारत का संविधान एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के साथ भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। वह संविधान सभा जो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। यही वजह है जब संविधान बना तो उसे सभी की स्वीकार्यता मिली। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि संविधान बनाने वाले लोगों पर जनता का अटूट विश्वास था। संविधान के ऊपर जनमत संग्रह की भी आवश्यकता भारत में नहीं पड़ी, क्योंकि जनता की शक्ति संविधान निर्माताओं के साथ जुड़ी हुई थी। हम कह सकते हैं कि संविधान की सफलता बहुत कुछ संविधान बनाने वाले लोगों के प्रभाव पर भी निर्भर करती है। यहाँ हम नेपाल के संविधान का उदाहरण ले सकते हैं, जिसका आपके पुस्तक में भी विवरण दिया है संक्षेप में। बच्चों, नेपाल में हम सभी जानते हैं बहुत लंबे समय तक राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही है। वहाँ पर 1948 से लेकर 90 के बीच में 5 संविधान बने,
और ये संविधान किसने बनाए थे? नेपाल नरेश ने। वहाँ सारी शक्तियाँ नेपाल नरेश के हाथों में थी, जनता की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। 90 के बाद वहाँ पर बहुदलीय लोकतंत्र शुरू हुआ, लेकिन शक्तियाँ ज़्यादातर नरेश के हाथों में थी। वहाँ सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे राजा के खिलाफ, और मुद्दा ये था कि राजा की भूमिका क्या हो। कुछ लोगों का मानना था कि राजतंत्र को ख़त्म करके गणतंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, वहीं कुछ अन्य समूहों का मानना था कि सीमित संवैधानिक राजतंत्र बने रहना देना चाहिए, राजा की शक्तियों को सीमित कर देना चाहिए। 2002 में नेपाल नरेश ने सारी शक्तियां अपने हाथों में ले लीं, लेकिन आंदोलन चलता रहा, विरोध हो रहा था, संविधान सभा की मांग की जा रही थी आंदोलन के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा। वहाँ नेपाल की माओवादी पार्टी इसका नेतृत्व कर रही थी। अंततः राजा को दबाव में आकर सरकार बनवानी पड़ी आंदोलनकारियों की इच्छा के अनुसार, और जब नेपाल में वह सरकार बनी तो नेपाल नरेश से सारी शक्तियाँ छीन ली गईं, और 2008 में नेपाल से राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। फाइनली अंत में 2015 में नेपाल ने एक नया संविधान स्वीकार किया। बच्चों, संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान को पढ़ने के बाद, संविधान के महत्व को जानने के बाद आगे बढ़ते हैं। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान निर्माताओं ने संविधान की सफलता के लिए शासन की शक्तियों के बीच एक संतुलन स्थापित किया है। आइए जानते हैं शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं में बांटा गया है। शक्तियों के इस तरह के संतुलित विभाजन से यह निश्चित हो जाता है कि यदि कोई संस्था अपने अधिकारों का अतिक्रमण करने लगे या वह संविधान को नष्ट करने का प्रयास करने लगे तो अन्य संस्थाएं उस संस्था को नियंत्रित कर सकेंगी, अर्थात संविधान को नष्ट होने से बचा सकेंगी। तो इस तरह की अवरोध और संतुलन की नीति संविधान द्वारा अपनाई गई ताकि संविधान की सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। लचीलेपन और कठोरता का बेहतर समन्वय। संविधान की रूपरेखा बनाने में बाध्यकारी नियम और प्रक्रियाओं के साथ साथ कार्यप्रणाली में लचीलेपन का संतुलन रखा गया है। संविधान की रूपरेखा बनाने में नियम कठोर भी हैं और साथ ही साथ उनमें लचीलेपन का भी समन्वय रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? जिससे आवश्यकतानुसार यदि संविधान में परिवर्तन की गुंजाइश है, परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है, तो संविधान उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। यदि संविधान कठोर होगा तो वह परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाएगा, और यदि संविधान बहुत अधिक लचीला होगा तो वह अपने समाज को सुरक्षा नहीं दे पाएगा और ना ही उनकी राष्ट्रीय पहचान को सुरक्षित कर पाएगा। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज। बच्चों, भारत का संविधान आज एक जीवंत दस्तावेज के रूप में स्थापित है। ऐसा क्यों है कि भारत का संविधान आज एक सफल संविधान के रूप में है? उसका कारण है कि संविधान में अपने मूलभूत सिद्धांतों को संजोए रखने के साथ साथ परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन करने या परिस्थितियों के अनुसार उसमें सामंजस्य करने की क्षमता है। इसीलिए आज हम भारत के संविधान को सफल रूप में देखते हैं, और हम सभी नागरिकों का भारत के संविधान के प्रति आदर वैसे ही बना हुआ है। पूरी जनता का भारत के संविधान में विश्वास है, उसको उसके प्रति आदर है। बच्चों, यह भाग आज यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आज हमने जाना कि संविधान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा को समझा, संविधान के वर्गीकरण के बारे में बात की, उनके प्रकारों को जाना,
हमने ये भी जाना कि संविधान की प्रमुख भूमिका क्या है, किसी देश के लिए संविधान क्यों ज़रूरी है। साथ ही साथ हमने संविधान के महत्व को समझा, संविधान किसी राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है। अंत में हमने जाना कि संविधान में किस तरह शक्तियों का संतुलित विभाजन किया गया है। आइए अब नज़र डाल लेते हैं अभ्यास कार्य पर। संविधान क्या है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, राज्यों के लिए संविधान क्यों आवश्यक होता है। तीसरा प्रश्न है, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण क्यों आवश्यक है। चौथा प्रश्न है, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों ज़रूरी है। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है, संविधान की सफलता का आधार क्या है। बच्चों, आज पढ़ाए गए पाठ से संबंधित पाठ्य सामग्री और अभ्यास कार्य आपको दीक्षा मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि पाठ को समझने में कोई आपको कठिनाई है तो आप अपने विषय अध्यापक के साथ व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से उसे स्पष्ट कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा विकसित YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।